तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू ऑनलाइन कोर्स की। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ कि आप लोग एलपीयू यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स कौन कौन से यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल से आपको एक कम्प्लीट वीडियोज बना के दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, एलपीयू ऑनलाइन यानी कि आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लेके आया है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन में ही सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल से गेट प्लेसमेंट रेडी, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट भी दी जाएगी। वहीं हम बात करें किस तरीके के प्रोग्राम रहेंगे, कैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, इन्होंने सारा कुछ लिख रखा है किस तरीके का आपको सब कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग बीए करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आप लोग यहाँ पर बीए कर सकते हैं। आपको बता दो 3 साल का कोर्स मिलेगा लगभग, ये लगभग आपको बता दो 3 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पर आपके एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई फाई होने वाली है। वहीं आपको BCA मिल जाता है अगर आप लोग बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो ये भी 3 साल का कोर्स मिल जाता है। उसी के साथ साथ BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर आप लोग ये भी कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बात करें, यहाँ पर 3 साल का कोर्स रहेगा, टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे। आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 23 जुलाई तक। यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है 6 महीने का यानी 6 मंथ की जो आपका यहाँ पर प्रोग्राम है। आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो बहुत प्रोग्राम वीडियोज आप चाहे तो जान सकते हैं। भाई हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट भी है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू के द्वारा वर्कशॉप में कराया जाता है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर अगर मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग कौन कौन से यहाँ पर कोर्स करने वाले हैं। बात करें यहाँ पर कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक ऑनलाइन का मोड मिल जाता है, तो सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर एडमिशन ऑनलाइन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद पूरा प्रोग्राम आप समझिएगा थोड़ा सा डिटेल से, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिए, अगर आप ज़रा सा भी स्किप कर देंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद सिंपली मैं बता दूँ, तो जैसे आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद सिंपली नेशनल पे क्लिक कर देना है, या फिर आप बाहर से तो इंटरनेशनल लेकिन नेशनल पे क्लिक कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको अपना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल जाएगा, आपको सारी जानकारी फिल कर देनी है, जो जो आपका कोर्स है वो सिंपली आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर प्लस टू से कोर्स करना चाहते हैं, आपको सिलेक्ट डिसिप्लिन आर्ट्स कॉमर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये 3 साइडें आपको मिल जाती हैं। बैचलर ऑफ यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में करना चाहते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में करना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स रहेंगे और कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप फीस रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं एक आपको बता दूंगा। आपको यहाँ पर स्टूडेंट MS यानी कि ऑनलाइन सब कुछ मिलने वाला है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी और बुक्स वगैरह भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, आपके सेशन वगैरह भी ऑनलाइन रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे। अगर आप लोग इससे नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, जहां पर मैं मास्टर्स के बारे में बताने वाला हूं कि यहां पर आपको मास्टर्स में कौन कौन से कोर्स मिलते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए नमस्कार, जय हिंद।